सुल्तानपुर पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। हत्या की साजिश कर रहे थे आरोपी, गैर जिले से हैं आरोपी, कई दिनों से रच रहे थे कत्ल की साजिश। सुल्तानपुर में 10 लूट करने वाले और हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह पर पुलिस की लाठी बरसी है। इनके पास से कुछ ऐसे हथियार भी बरामद हुए हैं जिन्होंने पुलिस की तफ्तीश में चिंता बढ़ा दी है। और सबसे खास बात यह है कि ये आरोपी इस जिले के हैं ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित 9 mm की कार्बाइन बरामद हुई है, जिसने अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इसकी खरीद फरोख्त कौन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी गैर जिले के रहने वाले हैं, जो कई दिनों से शहर में अलग अलग वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा किया और बताया कि ये सभी जल्द ही एक हत्या करने का प्लान भी बना रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2020 में कुड़वार थाना क्षेत्र के रवनिया पश्चिम में डबल मर्डर घटना को इंद्रेश तिवारी नाम के आरोपी ने अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गांव के प्रधान राज नारायण यादव पीड़ित परिवार का साथ दे रहे थे और इसी वजह से नाराज होकर आरोपियों ने इस हत्या की साजिश रची थी। वो किसी भी वक्त प्रधान राज नारायण की हत्या करने वाले थे। इन लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, जो लोग बेल में बाहर आए थे, अपनी बेल की सारी कंडीशन को छिन्न भिन्न करते हुए उनको ना मानते हुए ये लगातार जो बाधी पक्ष थे उनके ऊपर दबाव या प्रभाव बनाना चाह रहे थे, ताकि इस मुकदमे में बाधी जो भी विटनेसेस है हॉस्टाइल हो जाए और ये केस कोर्ट में ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बाधी पक्ष था उनके सपोर्ट में उसके ही प्रधान राज नारायण यादव जी, जो लगातार बाधी पक्ष को हिम्मत और तथा हौसला दे रहे थे, तो इनको लगा पर्टिकुलरली पूरा परिवार जो जेल में गया हुआ था 2020 की घटना में, उनको लगा कि जब तक ये प्रधान जीवित है तब तक ये मामला सुलह नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इंद्रेश ने ये प्लान किया बाकी लोगों के साथ मिलकर उस घटना में जो लोग शामिल थे हत्या में, कि इस प्रधान को मार दिया जाए। इन्होंने उसी प्लानिंग की योजना के तहत, जिसके हमें सारे अलग अलग सबूत मिले हैं, उस प्लानिंग की योजना के तहत इन्होंने ये सारे असले इकट्ठे किए और एक तिथि निर्धारित की जहाँ पे इस इन प्रधान जी को हत्या कर दी जाए। पुलिस टीम की मुस्तैदी, छानबीन और अलर्टनेस की वजह से ना तो सिर्फ पुराने लूट की घटनाएं अनावरित हुए हैं, उसके साथ साथ ये जो एकदम श्योर शॉट एक मर्डर होने वाला था और जिसके वजह से जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो सकती थी, उसको रोक पाया गया, थाम लिया गया। इसी बात पे पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए DIG अयोध्या महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपया इनामी धनराशि के स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। SP ने बताया कि सभी आरोपी अब पुलिस के कब्जे में हैं। आगे की छानबीन भी शुरू कर दी गई है और जल्द ही इन पर आगे की कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाएगा। SP ने इस दौरान इन्हें पकड़ने वाली टीम की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि स्वाट टीम प्रभारी उपेंद्र सिंह और ASP विपुल कुमार श्रीवास्तव लगातार इनकी खोज कर रहे थे। इन्हें पकड़ने वाली टीम के लिए DIG ने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ नफीस खान और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।